शोध के दिन के व्रत के दिन होगा कुछ ऐसा जो कि अनुपमा को भी सोच में डाल देने वाला है और उसकी सोच ही पूरी तरह से बदल देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, शो में मनाया जाएगा करवा चौथ का व्रत, जहाँ पर पूरे कपल्स यहाँ पर करवा चौथ का व्रत रखने वाले हैं। समर, नंदिनी, किंजल, तोशु, यहाँ पर वनराज और काव्या और अनुपमा व्रत रखने वाली है, लेकिन इस बार वो व्रत नहीं रख कर ऐसा अपने खुशी खुद के लिए वो व्रत रखना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलेगा कि अनुपमा इस खुशी से ये व्रत अपने लिए रखना चाहती है, अपनी खुशी के लिए रखना चाहती है। वो हर बार ही व्रत रखती है और इस बार भी अपनी खुशी के लिए रखेगी, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मेहंदी लगाने वाली औरतों को गलतफहमी हो जाती है और उसे लगता है कि अनुज ही अनुपमा के हस्बैंड हैं। उन्हें हमेशा साथ देखकर उन्हें लगता है कि शायद वही हस्बैंड है और वो अनुज अनुज कहते हुए देखने को मिलेगा कि अनुपमा के हाथ में अनुज का नाम लिख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब भाई कान्हा जी ने इशारा दे दिया है अनुपमा को, तो वहीं पर अब अनुपमा के हाथ में अनुज का नाम लिखा हुआ देखकर देविका और यहाँ पर समर और यहाँ पर अनुपमा की माँ भी शॉक्ड रह जाने वाली है। लेकिन ये हाथ से नाम मिटने नहीं वाला और अनुज का नाम छुपाते नजर आएगी अनुपमा। लेकिन अनुपमा अनुज इसका हाथ देखकर काफी खुश हो जाने वाली है और कहेगा कि ये नाम मेरा नाम इस मेहंदी में, तो अनुपमा उसे छुपाते नजर आएगी और कहेगी कि ये मेहंदी वालों की गलतफहमी हो गई कि उन्हें लगा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और ये सुनकर तो अनुज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो काका के सामने खुशी के मारे पागल की हरकतें करते दिखने वाला है। और अनुपमा के व्रत खोलते वक्त अनुज भी अनुपमा के लिए व्रत रखने वाला है और साथ में ही अब देखने को मिलेगा कि लकीली इन दोनों का एक दूसरे से आमना सामना होगा और एक दूसरे का चेहरा देखकर ये व्रत खोलेंगे। तो भाई काफी रोमांटिक स्टोरी हमें देखने को मिलने वाली है करवा चौथ के व्रत के दिन। और दूसरी तरफ वनराज और काव्या का तगड़ा झगड़ा देखने को मिलेगा कि वहां पर वनराज को अनुपमा की ही याद आ रही होती है और कहीं ना कहीं वो उसके बारे में सोच रहा होता है, इस बात पर काव्या का झगड़ा हो जाता है। तो वही समर और नंदिनी के बीच में तो रोमांटिक स्टोरी देखने को मिलती ही है और दोनों का रोमांस हमें देखने को मिलेगा। तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी आने वाले हैं शो में।